गत 2 मार्च की शाम को NH 71 के पास मिली गर्दन कटी लाश के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक व मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रेवाड़ी जिले के गांव पालावास निवासी रामनिवास उर्फ काटू के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि मृतक की पत्नी से उसके अवैध संबंध है और उसी के कहने पर उसने उसकी हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक अशोक है और मारने वाला रामनिवास है। तो जो अशोक मृतक की पत्नी रेखा, उसकी बात लगातार रामनिवास जो एक्यूज्ड है उससे हो रही थी और जिससे पुलिस ने रामनिवास को अरेस्ट कर लिया और इसने ये पूरा डिटेल खुलासा किया कि एक साल से ये इसका लेडीज के साथ अफेयर था। जब हमने लेडीज से पूछा कि आपका अफेयर कैसे था इसके साथ, तो उसने बताया कि मेरा जो पति अशोक है वो शराब पीने का आदी था, हर रोज शराब पीकर के मेरे से लड़ता झगड़ता था और उसने मेरी जिंदगी बदतर कर दी थी। तो मैंने इसको रामनिवास को कहा कि भाई तू इसको रास्ते से हटा दे तो मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।